कांग्रेस सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के नाम पर 26 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का खुलासा होने के बाद भाजपा मुखर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता हमीरपुर संसदीय क्षेत्र दीपक शर्मा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय लेखा नियंत्रक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में साफ हुआ है कि 2015 से 17 तक गैर कानूनी तरीके से 26.12 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ये रुपया कार्यालयों में कुछ चुनिंदा लोगों के घरों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से दुरुपयोग किया गया है। कैंग रिपोर्ट में साफ हुआ है कि 13वें एवं 14वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके ये फंड खर्च किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 320 आपदा पीड़ितों की अनदेखी करके इस फंड का दुरुपयोग किया गया है और पीड़ित परिवारों को फंड न होने का बहाना बनाकर टाल दिया गया। रिपोर्ट में ये खुलासा भी हुआ है कि 2014 से 16 तक 295 ऐसे कार्यों पर खर्च किए गए हैं जो कि प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में थे ही नहीं। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है, आपदा प्रबंधन के नाम पर सरकारी धन को लूटा गया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दीपक शर्मा ने कहा कि अब ये स्पष्ट हो गया है कि पिछली सरकार में आपदा प्रबंधन के नाम पर सरकारी धन की जमकर लूट की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर जांच की मांग करती है ताकि सरकारी धन को लूटने वाले बेनकाब हो सकें। महालेखाकार की रिपोर्ट जो है वो केंद्र से हिमाचल प्रदेश के संबंध में आई है, जिसमें ये साबित हुआ है कि 26 करोड़ 12 लाख रुपया आपदा प्रबंधन के नाम पर पिछली कांग्रेस सरकार ने 2014 से 2017 तक जो है वो गलत खर्च किया, उसका दुरुपयोग किया गया और 295 गलत जगह पे लोगों को धन आवंटित किया गया, जहां पे कोई आपदा नहीं थी वहां पे खर्च किया गया और 320 ऐसे पीड़ित आपदा प्रबंधन से जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको जो पैसा मिलना था उनको ये कहकर नहीं दिया गया कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। यानी कैग ने स्पष्ट किया है कि ये बहुत गंभीर मामला है और 26 करोड़ रुपया जिसको जो 13वां और 14वां वित्त आयोग है उस वित्त आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनकी भी अवहेलना करके उस पैसे को खर्च किया गया जबकि इसको खर्च नहीं किया सकते थे। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार से ये मांग करती है कि इस मामले के ऊपर सीबीआई जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उनको बेनकाब किया जाए। पिछली सरकार में ऐसा अक्सर देखने में आया है कि आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपया का दुरुपयोग हुआ है, इसलिए हम ये मांग करते हैं कि इस विषय के ऊपर सरकार गंभीरता के साथ जो है वो सीबीआई के लिए इस इंक्वायरी को दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।